बुधवार सुबह राजनगर के टांगरानी, बड़मतीलिया और खीरी में आतंक मचाने के बाद झुंड से बिछड़े हाथी को वन विभाग खदेड़ने में विफल रही। गुरुवार को एक बार फिर से हाथी नजर आया है, मगर इस बार उसका लोकेशन गमरिया प्रखंड के ईटागढ़ और आसंगी के आसपास देखा गया, जहां खड़काई नदी में गजराज ने आराम से स्नान किया, उसके बाद टाटकुदर के आसपास घूम रहा है। वहीं बता दें कि आज गुरुवार को झामुमो नेता रतन प्रधान हाथी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वो नदी में सुबह स्नान करने जा रहे थे, उसी दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि वो इस हमले से बाल बाल बच गए। फिलहाल हाथी का मूवमेंट आसंगी और ईटागढ़ के आसपास बना हुआ है। वहीं वन विभाग हाथी को सुरक्षित खदेड़ पाने में विफल रही है। बुधवार को दावा किया जा रहा था कि हाथी को दाड़ू के जंगलों की ओर खदेड़ दिया गया है, मगर सच्चाई ये था कि वन विभाग हाथी को ढूंढ ही नहीं पाई थी। वन विभाग के अधिकारी शिवम पंडा को कई बार फोन किया गया, मगर उनके द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। बता दें कि बुधवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने दो किसान और एक युवक को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें एक 55 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 55 वर्षीय किसान और 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक का टाटा मुख्य अस्पताल इलाज चल रहा है। इसके बावजूद वन विभाग मामले पर गंभीर नहीं है। इधर एक बार फिर से हाथी का मूवमेंट गमरिया प्रखंड के आसपास देखा गया है। समय रहते यदि वन विभाग गंभीरता नहीं दिखाती है तो हाथी हिंसक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। नमस्कार, मैं रतन प्रधान ईटागढ़ गांव से हैं। आज हम सुबह सुबह खड़काई नदी नहाने के लिए आए थे और मेरे को पीछे तरफ से एक जंगली हाथी ने अटैक कर लिया था। हम किसी भी तरह अपना जान बचा के भागे वहां से और आता वन विभाग से और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए, आगे किसी का भी जनमन क्षति ना हो।